यार एक बात तो बता, ये बादाम खाने से क्या होता है? मैंने सुना दिमाग तेज होता है। पागल हुआ, बादाम खाने से बादाम खत्म होते हैं। अबे यार इस घर में से ना बहुत देर से लड़ने की आवाजें आ रही हैं। अबे यहीं से आ रही है, 15 दिन हुए इनकी शादी को। अभी से शुरू हो गए। वो कहते ना कुंवारे सड़ सड़ के मर जाएंगे शादी शुदा लड़ लड़ कर। अबे भाई हम लोग कुंवारे ही सही है, ये जिंदगी भरी बल। वो गाय भाग गई, गई पागलों के बच्चे अंदर क्यों घुस रहे हो? गाय भाग गई थी ना भाई। अबे गाय तो वही भागी थी क्या तुम लोग बैठे थे? तो तू करके अंदर क्यों भागा? अबे चलो। अरे यार अजीब आदमी है, बताओ धजा कहीं का घोड़ों की तरह बकवा रहा हमें। ओ भाई किसी की गाय भागेगी भी ना हम नहीं पकड़ सकते, किसी का बकरा या बकरी भागेगी ना वो पकड़ेंगे। अबे दिहाड़ी का सोच के भागे थे। देखो मंडी में सब एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं ना? जी हाँ मैडम, व्यापारी जैसी गाय को कीमत बताते हैं गाय फौरन दूर हो जाते हैं। ओ बेवकूफ, मैं कोरोना के एहतियाती तदाबीर की बात कर रही हूँ। और देखो मंडी में कोई बगैर मास्क के दाखिल ना हो। जी मैडम। वो देखो वो दोनों लड़के कौन है जो बगैर मास्क के आ रहे हैं? लेकर आओ उनको। ए, रुको। आ गया भाई, ले रहो हमें बता दो जल्दी। चलो बस काट दो के, चलो। आ गया भाई, यहाँ पे ले रहो दोनों। जी मास्क किधर है? मास्क तो घर पे भूल गए हम लोग। घर पर? नहीं, बात गाड़ी में भूल गए। गाड़ी में तो गाड़ी कहाँ है तुम लोगों की? गाड़ी घर पे। तो फिर तुम लोग यहाँ कैसे आए? हम सुजुकी में लटक के। पता है ना कोरोना चल रहा है? जी। तो फिर किधर है? क्या बेवकूफ, मास्क गाड़ी में। बकवास बंद करो। कोई बात नहीं, घर भूल गए ना, हमारा महकमा मास्क दे रहा है। दो इनको मास्क दोनों को। वाह भाई, हमारी पुलिस भी देखे काम कर रही है। अल्लाह चलो। और एहतियात करो, फासला रखो, लगाओ दोनों। जी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुमने कोई फैशन शो में जाना है? मास्क लगा। अरे अपने सिपाही से कह देना ये लगा देगा। मेरे नहीं, अपने लगा। अपने लगाना था। सॉरी। जी। सही जी। अब हम जाए? जाओ। बहुत तेज है यहाँ का जा रहा है। लगा भाई। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। चलो भाई, ये तो मुझे पसंद नहीं आ रहा। नहीं ये वाला भाई, ये देखो तो जरा क्या सारे समझ ही नहीं आ। ये वाला कहाँ है? किकी देखो ये बकरा कितना अच्छा है ना। हाँ भाई अच्छा। बाबा ये बकरा? हाँ ये तो बाबा चाइनीज बकरा है। ये बच्चा है हमारा, ये बकरा नहीं है। ये देखो ये मैमे की जगह ची ची करता है। अबे इसको क्या स्विमिंग पूल में डाल दिया था क्या? पानी भरा पेट में सारा। अरे बच्चों की तरह पाला है इसको। ये बकरा नहीं है, ये मेरा बच्चा है। दूध और मक्खन खिलाया है इसको। जब काटोगे ना तो खून की जगह देसी घी निकलेगा। बड़े प्यार से पाला है इसको मैंने, धूप में निकलने नहीं दिया, कहीं काला ना हो जाए ना। अच्छा जूते मोजे और मास्क नहीं बनाया इसको? पिस्ता बादाम शहद नहीं खिलाया? किकी मैंने सुना है जिस बकरे को ऑर्गेनिक फूड खिलाते हैं ना उसका गोश्त बहुत मजे का होता है। हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। भाई ये बताइए कि आप देंगे कितने का? अरे साहब जी 55,000 का मैं सोच के आया था, 45,000 तो लग चुके हैं,
मगर आपकी प्यारी प्यारी बच्चियां कहती हैं तो मैं 42,000 में दे दूंगा बस। हाँ साहब जी, 20 किलो का है ये, 2 दांत का है। क्या 42,000 इतने से बकरे के? तेरी अरे नहीं बेटा नहीं, एक मिनट, तुम रुमाल मत खोलना। असल में हमारी बेटी को जब गुस्सा आ जाता ना तो ये रुमाल खोल देती है। क्या बाबा, नाक बेटी है क्या इसकी गुस्से में? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। असल में जब ये रुमाल खोलती है ना तो इसका मतलब है किसी ना किसी एक का सर तो फटा ही फटा। अरे नहीं बाबा नहीं, हम लड़ाई के लिए नहीं खड़ा हुआ यहाँ पर। देखो तो सही बकरे को, सैनिटाइजर बकरा है ये, कोरोना भी टेस्ट कराया हुआ है। बाबा पैदाइश से अब तक सारे इंजेक्शन लगाए हैं मैंने, सारी रिपोर्टें हैं मेरे पास। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई फिर तो ये VIP बकरा हो गया। पापा मुझे तो ये बकरा बहुत अच्छा लग रहा है, आप ये बकरा ले लेना। हाँ भाई ऐसा कीजिए, इसके आप 35 ले लीजिए। हाँ। ना साईं ना, हाथ से जोड़ता हूँ साईं, 42 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। चल बे चल, इतने से बकरे के मुझे नहीं समझ आ रहा, आगे चलना आगे देखो। चल भाई दे दे। अच्छी तरह देख लो वा। Oh, absolutely right. It was a hot summer day of July. The sun was blazing the sky to the outlaw. There is nothing of loving. My ship was in an entertaining butter. Yeah, 2 petty, 3 petty like rupees. I can't understand, huh? Yes, 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 I can give you. Okay. Thank you, right, Ron. Oh. Bhai, kitne ka de rahe ho? Are, saab ji, ye 60,000 rupay ka hai. What? 60,000? Low category. Nothing of it. My personality, big amount. Can't afford it. Se mehenga aur uncha wala nahi hai. Haan, saab ji. हमारे गांव में ना 1,00,000 रुपए वाला है बकरा, हम कल मंगा के देगा तुमको। कहना ये चाह रहा है कि है मगर गांव में। अरे अरे साहब जी, अरे ये जो तुमने फोन किया था वो बाबा कैसे किया था? आपके हाथ में तो फोन मुझे नजर नहीं आया। ये ऐसा लाइन है, अगर आपको किसी से बात करनी हो, जब किसी का फोन आता है तो हाथ ऐसे हिलता है। ये तो टेक्नोलॉजी बड़ा बड़ा अच्छा है, बहुत तरक्की हो गया। तुमने देखा कहाँ है तरक्की? तो बाद में पता चलेगी जब हम जाएंगे। साहब जी ये मुझको भेज दो ना, हम भी गांव में जाकर मामा के पुट के सामने जरा शो मार लेगा। पुट भेज देंगे, 50,000 की है। अरे साहब जी आप जरा साहब से हमारा सौदा बनाओ ना। तेरे पास पैसे कितने पड़े हुए? साहब जी ये 10,000 रुपया पड़ा हुआ है। 10,000 दे। उतार दो, दे दो। Right, 50K, 10K, no big deal. Hell, this is Pakistan. Oh, come on. Le lo. Speed. Little speed. और कुछ चाहिए? जूते पैंट ये भी बेच रहे हैं। Close the shopping. सब बेच दे, बेच दे। साफ गरीब आदमी, बेच दे। पैंट, जूते। मामा के पुट को मिलाओ बाबा। हेलो बाबा, हेलो। अरे बाबा ये तो चूना लगा कर रहे मुझे। अरे साहब जी रुको। अरे भाई फूट नसीब है वो लोग जो मंडी में अपना मन पसंद का जानवर लेके आ जाते, तो घूम घूम के आधे हो गए। अबे मेरी तो चल चल की हालत बुरी हो गई, 1.80 का जानवर है उसमें 1,000 रुपए कम कर रहे हैं, बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं यार। सब्जी लेने गए हो? रुको चल निकाल जल्दी। भाई ये लो। क्या ये भाई जान बिजली का बिल है? आपने तो कहा जेब में जो कुछ है निकाल, कराची की आवाम इसी से भेजा रहे भाई, बिल की वजह से ये बंदे बड़ी दुआ लगी। अबे इसका चार्ज डालू? पैसे और मोबाइल दे। पैसे और मोबाइल? जल्दी जल्दी भाई दे दे, इसके हाथ में पिस्टल भी है। ये ले भाई, ये ले भाई,
हमको माफ कर दे, हम लोग गरीब आदमी, इतने कुर्बानी के बकरे के पैसे भाई। अबे तू वलीमे में है, तू निकाल जल्दी। ये ले भाई, सब कुछ आपको दे दिया, आपके पास पिस्टल है ना? हाँ हाँ है। दिखाओ पिस्टल, दिखाओ। वो घर पे भूल गया हूँ, पीछे हो जा। घर पे भूल गया? आपकी जबान पे सब कुछ हमने दिया, बाद में कभी मिलो ना पिस्टल दिखा देना। हाँ हाँ ठीक है, पीछे पीछे, मुंह उधर कर, मुंह उधर कर। अबे हम क्या पीछे, तू आगे बढ़ जा थोड़ा। लगाऊं अभी? हाँ हाँ, हो रहे हो रहे हो रहे, आराम से भाई आराम से। इधर देख। हाँ हाँ ठीक है भाई। मोबाइल उठने ले लिया। क्या किकी, तुमने बकरे को बाहर क्यों बांधा है? तो क्या बेडरूम में लटा दूँ? अरे नहीं, मेरा मतलब है हमें इसे फौरन क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और हाँ, हम इसे तभी बाहर निकालेंगे जिस दिन कुर्बानी होगी, और इसे मास्क भी तो पहनाना है। अबे चलना बेबी, तू क्या कोरोना से डर रही है? कोरोना ने कब का दम तोड़ दिया। लेकिन किकी गया तो नहीं है ना, और एहतियात भी तो जरूरी है। तुम्हें पता है अमेरिका में गाय को, ऑस्ट्रेलिया में हाथी को, और श्रीलंका में ना बनमानस को कोरोना हो गया। अब हमें अपने बकरे को फौरन क्वारंटाइन करना होगा। अब बकरे की सेहत का और अपनी सेहत का हमें खुद ही तो ख्याल रखना है ना। मुझे ये बताइए, तुम रिसर्च कहाँ से उठा के लाती हो? भाई मैंने पढ़ा है ना, अब जाओ लेके आओ अंदर। चलो अंदर। मैमुना, मैं तुम्हारी मोहब्बत में आइसोलेट करना चाहता हूँ। हमने तो पहले ही कहा था आपसे सदाकत जी, कैसे भी इस पे अमल करें, लेकिन आपने हमारी बात सुनी ही नहीं। अरे मैं तो इस क्वारंटाइन से निकलना ही नहीं चाहता। सोच लें सदाकत जी, उम्र भर चेहरे पे मोहब्बत का मास्क पहनना पड़ेगा, नफरत हाथों पे ना ठहरे, हाथों को बार बार धोना पड़ेगा, दूसरी औरतों से सामाजिक दूरी रखना पड़ेगी जनाब को, मंजूर है? अरे आपकी मोहब्बत में तो मुझे सब मंजूर है, मैं बस आपकी मोहब्बत में कुर्बान होना चाहता हूँ, बस छुरी तेज रखिएगा। कुछ जल रहा है? हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा दिल जल रहा है। अरे दिल को छोड़ो, सालन जल रहा है भाई, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अरे अरे मैमुना, अरे मेरी बात तो सुनो। अबे मेरा भाई आ गया। हाँ बे। कितने की ली? 120 की। इतनी महंगी? तो ले, मेरे मामू दा बाला है, तुम मुझे क्या देते, मैं तुम्हें तत्ती में दिला देता। अबे सस्ती दिला देता। हाँ। कहा तत्ती में? अबे पकड़ इसको और निकल यहाँ से। अबे जाजा इतनी महंगी ले ली तुमने, इतनी निकल यहाँ से। तत्ती में लाता है, ऊपर से तो निकाल ले। ये भाई माशाल्लाह, भाई माशाल्लाह, कितने का ले लिया? 120 का। है? अबे क्या बात कर रहे हो, 120 का? इतना सस्ता, इतना हीरा जानवर? यार एक बात बोलूं, पिछले साल मेरा ताऊ भी लेकर आया था जानवर, सस्ता देखकर लेकर आ गया था, जानवर बहुत हीरा था, लेकिन मसला ये हुआ कि यार कुर्बानी के दिन कुर्बान करने के लिए लेकर गए, बीमार हुआ और मर गया। अबे कैसी फालतू बातें कर रहे तू? अबे मेरे भाई थोड़ा ख्याल कर ले, डॉक्टर को दिखा दे, तेरा जानवर है, महंगा जानवर है, हीरा जानवर है, समझा करो। हर जानवर तेरे ताए के जानवर जैसा नहीं होता। निकल यहाँ से, चल। अबे चल, अबे क्या हो गया, कहाँ कहाँ से आ जाते? ओए होए कितना खूबसूरत बकरा है यार। अरे वो इसकी खूबसूरती का अचार डालना है, तुझे शादी करनी है इससे, बकरा खोल, इससे पहले घर से कोई आ जाए। हाँ हाँ, लेकिन हम इसको लेके कैसे जाएंगे? कैसे लेके जाएंगे क्या मतलब यार, दरवाजे से लेके जाएंगे। लेकिन हम तो दीवार से आए। अबे हम दीवार से इस वजह से आए हैं क्योंकि कुंडी लगी हुई थी, अब हम अंदर कूद गए और कुंडी खोलेंगे, अब बकरा पेट से लेके जाएंगे। हाँ ये तो सही है, फिर अंदर से कुंडी कौन लगाएगा? अंदर से कुंडी कौन लगाएगा, ये हमारा मसला नहीं है, बकरा खोल खोल खोल। तू वेरी इंटेलिजेंट, अगर मैं अकेला डकैती करने आता फिर तो मैं बकरा घसीट के ले जाता, ये तो मर जाता। खोल ये, आओ आओ। किसने चोरी किया मेरा बकरा? मुझे क्या पता, किसी
किक्की भाई बोल, तू ही हमारे घर के सामने मटरगश करता रहता है, और तूने भी देखा ऐसे कैसे हो गया। हाँ? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो बेबी को लाइक करता हूँ। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो हमारा बकरा चोरी हो गया और इसको देखो ये मुझे लाइन करा रहा है। मैं तो आपको पसंद। अबे नर्सरी के बच्चों की कॉपी में चिपकने वाला स्टिकर, अगर अभी यहाँ मडलाता नजर आया ना तो किक्की भाई तेरे साथ क्या करेगा? किक्की भाई की जान से मार देगा। मार तो अभी भी रही हूँ, लग नहीं रहा क्या तुझे? किक्की भाई जान से मार देंगे मतलब मेरा क्या, कत्ल कर देंगे? हाँ हाँ, चल निकल अभी इधर से। देखा आखिर हमारा बकरा कौन ले गया? किक्की बेबी तू परेशान नहीं हो, पुलिस में कंप्लेन की है मैंने, इसको तो मैं देखती हूँ अभी। अबे यार मैं तुझे कैसे बताऊं यार, बस यार मेरा तो किसी चीज में दिल ही नहीं लग रहा यार। हाँ यार, अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब आप? वो चोरी कहाँ से हुआ? यहाँ से। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि रात को तो मैं सोया था, तो उस वक्त तो था, जब मैं सुबह सोकर उठा तो वो चोरी हो चुका था। यानी आपने चोर को देखा? मेरा मतलब है अगर चोर आपके सामने आ जाए तो आप उसे पहचान लेंगे? हाँ क्यों नहीं, पहचान चुका हूँ मैं। तो कैसा दिखता है चोर? लंबा तड़ंगा, लंबे लंबे बाल। बालों का कलर? एकदम काला स्याह, जैसे काले बादल। इस होली से तो ऐसा मालूम होता है कि कोई हीरोइनची है। ये मैं यही तो कह रहा हूँ, वो बिल्कुल हकीकत में हीरोइन ही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बकरा भाग गया और अब दूसरा बकरा लेने के चक्कर में FIR कटवा रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रही है? कोई सबूत है आपके पास बकरे का? हाँ है ना, ये देखिए मेरे बकरे का हार, इसी सोफे पर सोता था वो। हाय 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 मेरा बकरा। अच्छा अच्छा बस बस, मुझे यकीन है, चलें आप मेरे साथ। हाँ मैं अभी तैयार होके आता हूँ। आपके साथ तो मैं सारी जिंदगी चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा वो मेरा मतलब है मैं आपको डेट पर नहीं लेके जा रही हूँ, FIR कटवाने लेके जा रही हूँ। चले पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। अरे आप आइए ना। चलिए चलिए चलिए। अरे लोग चोर को तो बिला वजह बदनाम करते मारते, हमने तो चोरी करी, चोरी करने के बाद इसको बेचेंगे, कितनी मेहनत कर रहे यार हम लोग। अब इस गली से उस गली ले आना, कोई देख भी ना ले भाई। चलो नीचे उतर। कहाँ नीचे उतरूँ, मैं क्या छत पे चढ़ा रहा हूँ, नीचे तो उतर रहा हूँ भाई। तुम जो ना तो वो ये ना जो दिन मंडी आए थे। हाँ भाई मंडी आए थे, हमारे पे क्या पाबंदी लगी हुई, हम क्या कोरोना छोड़ रहे जो पूछ रहे हो मंडी आए थे। मेरा मतलब है आज का है तुम दोनों का। वो किराए पे दिया भाई। अबे भाई किराए पे नहीं दिया, मैं धोखे डाला, बहुत गंदा हो गया था, दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें पता नहीं है वो सरकारी मास्क है, और सरकारी मार्क कभी एक्सपायर नहीं होते। अरे आई जी साहब जाने दे, देखे देर हो रही है मैं। अबे ऐसे कैसे जाने दे ये। साहब देखे गाली नहीं दे, हम इज्जत और तमीज से खड़े हुए, आप बिला वजह गाली देंगे यार। अबे बकरा कहाँ से आया, ये खरीदा है? चोरी किया खरीदा है, देख खरीदा बकरा। ओ भाई 30,000 का लिया है। 30 का? ओए 30,000 का इतना खूबसूरत बकरा? 30,000 का बहुत खूबसूरत है, आपने अपनी बकरी देनी है। बे मुझे कोई गड़बड़ लगती है? नहीं नहीं गड़बड़ कुछ नहीं, मैंने चिकन खाई इसलिए दाल खाई थी, तुझे गड़बड़ लग रही है? नहीं कुछ भी नहीं साहब, कहीं और से आवाज आ रही है। दोनों पे भरोसा नहीं है, तुम दोनों आने चलो मेरे साथ बकरा लेके। अरे नहीं साहब डबल सवारी बंदे कैसे जाएंगे? ओए बेबी तुम्हारे हाथ जाऊंगा, मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है। समझा करे साहब, डबल सवारी बंदे कोई पकड़ लेगा। चलो 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 बेटा जल्दी जल्दी करो। समझ नहीं रहे आप? बेटा इसको, इस इलाके का सबसे तगड़ा जानवर है अपने पास, क्या ख्याल है? बेहतरीन जानवर ले आए जहाँ। अबे कौन है यार इसको बॉल हॉर्न बन करे, अगर ये बछड़ा भाग गया ना इसको दुम्बा बना दूंगा मैं।
अबे पकड़ यार, मैं देख कर आता हूँ उसे। कौन है बे तू? चीफ मिनिस्टर? बाप हूँ तेरा, चल जानवर अड़ा। जानवर? जानवर तो नहीं हटेगा, और अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो ठंडा भी अपने आप हो जाएगा। क्यों निकलेंगे आप? जाइए। अरे हटाओ यार, गाय हटाओ, लोगों को जाने दो यार, अजीब ही लोग हैं। रुकिए मैं साइड पे करता हूँ। साइड पे करो इसे, कहता भी हूँ कि साइड पे चलाया करो, बीच बीच में ले आते हैं। जाइए आप। देखा, डर गया। मैमुना, तुमने तो देखा था ना हमारा बकरा कितना खूबसूरत था, कितना प्यारा था। जिस दिन से वो गया है ना, यकीन करो मेरे बच्चों का तो दिल ही नहीं लग रहा। तुम दुआ करो कि हमारा बकरा मिल जाए। या अल्लाह, सदाका जी का बकरा मिल जाए ताकि मेरे घर पे पाए और चापे भेजे। अरे पाए और चापे क्या, अगर तुम कहो तो आधा बकरा ही भेज दूं। क्यों जी, आधा क्यों, पूरा क्यों नहीं? बस एक बार बकरा ईद गुजर जाए, उसके बाद तुम और मैं घूमने चलेंगे, पहाड़ों पे चढ़ेंगे, फजाओं में घूमेंगे, दरख्तों पर लटकेंगे, इतना मजा आएगा ना। हो गया तेरा? जी 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 जी। शर्म नहीं आती इस उम्र में इस तरह की हरकतें? अरे कब्र में पांव लटक रहे हैं तुम्हारे। अरे तो क्या हुआ, आधा धड़ तो बाहर है ना। Shut up. मेरा मतलब है बकरा मिल गया क्या? हाँ, चलो थाने। एक मिनट, मैं जरा अपने बच्चों को ये खुशखबरी सुना दूं, फिर चलते हैं। बच्चियों के साथ पूरे मोहल्ले को भी सुना देना, चलो। चलिए। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? सबसे पहले तो मैडम आप ये बताइए कि आपने इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला? क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा दरवाजा है, जब मेरा दिल चाहेगा तब खोलूंगी। आप ये बताइए आपको किससे मिलना है? ओ, तो इसका मतलब है कि ये आपका घर है? नहीं, ये मेरे पापा का घर है। ओ, तो फिर आपने इस घर पे कब्जा किया हुआ है। अरे आप तो बहुत ही अजीब इंसान है, मेरे पापा का घर है, मैं उनकी बेटी हूँ, तो जाहिर है ये मेरा घर भी हुआ ना। हाँ भाई, कौन है? जी मैडम, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और मेरे पास आपके बकरे की पूरी डिटेल है। हाँ, लेकिन बकरे पे टैक्स कब से लगने लग गया? देखिए मैडम, मौजूदा हुकूमत में ना ही किसी को टैक्स छूट मिलेगी और ना ही किसी चीज पे टैक्स की छूट दी जाएगी। अभी तो माचिस और बर्तन की तीनों पे भी टैक्स रहेगा, जो चीज आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो भी है भाई, अब बकरा नहीं है, वो चोरी हो गया। चल अब रास्ता ना। ओहो, मुझे पता है अक्सर लोग ये बहाने और टोपियां करते रहते हैं टैक्स से बचने के लिए। मुझे पता है कि बकरा इसी घर में मौजूद है। भाई आकर देख ले, कल ही चोरी हुआ है। नहीं मैडम, मैं बिना शादी के किसी घर में नहीं आता जाता। ससुराल नहीं बुला रहे, बकरा देखने के लिए बुला रहे। आइए। जा रहा हूं। अरे मेरे बाप की तौबा, आइंदा कभी इस घर में आओ, सारी कौन सी नस्ल की लड़कियां रहती है। भाई ये क्या कर रहा है? अबे बारबेक्यू के हिस्से कर रहा हूँ भाई, जानवर गिराना नहीं है क्या? आज नहीं गिराना, ईद वाले दिन गिराना है। अबे ईद वाले दिन किसके पास टाइम होगा, रश होगा ईद वाले दिन, अबे आज गिरा लो भाई। पागल हो गया क्या? अबे भाई मैं प्रोफेशनल कसाई हूँ, दुबई में 40-40 फीट के ऊँट काटता हूँ मैं। 40-40 फीट के ऊँट? तेरा हाथ भी पहुँचता होगा इतने ऊपर तक। हाँ तो सीढ़ी लगाता हूँ ना। सीढ़ी छोड़, ये बता कितने पैसे लेगा कुर्बानी के? कुर्बानी के होते तो 5 लाख रुपए, लेकिन आपके साथ स्पेशल रियायत 1 लाख रुपए सिर्फ। 1 लाख रुपए? पागल हो गया क्या?
अबे भाई दुबई ले जाकर कुर्बानी करता हूँ मैं, गाय के टिकट के और मेरे वीजे के 1,00,000 रुपए हो गए, 30,000 रुपए कुर्बानी के, 30,000 कुर्बानी के, 1,00,000 टिकट के। अबे 10-12 हजार में जानवर कुर्बान हो जाता है, तू पागल हो गया है। अबे भाई कितना पढ़े हुए आप? मैं जितना भी पढ़ा हुआ, तू क्यों इतनी गिरी पड़ी बातें कर रहा है? अबे भाई दुबई में धर्म चलते हैं और धर्म के हिसाब से ना 30,000 रुपए ही बनते हैं यार, क्या हो गया आपको भाई? धर्म छोड़, मुझे गरम मत कर, निकल जाए यहाँ से। अगर मुझसे कुर्बानी नहीं करवाई ना, बहुत पछताओगे। अकमल कसाई दुबई वाला नाम है मेरा, दुबई वाला। मेरा सफर का समय छूटा जा रहा है, निकल। ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, खर्चा पानी लिए बगैर नहीं जाऊंगा भाई मैं। देता हूँ, जल्दी दे दो, जल्दी पानी, जल्दी। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जानवर लिया भाई, क्या जानवर लाए भाई, क्या जानवर लाए हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने का लिया भाई? आप लोग कौन हो भाई? उस्ताद नाफा जानवर देखो, जानवर नाफा। क्या बात है, क्या बात है। कितने का लिया? 1,10 का। कैश में लिया है? उधार पे लिया है। अबे कैश पे ही लूंगा। अरे वाह भाई, भाईजान हम हर साल आते हैं इस इलाके के अंदर, जितने भी लोग जानवर लेके बैठे हुए ना, उनके लिए राशन पानी का इंतजाम करते हैं और इतना बढ़िया राशन देते हैं कि आपकी सोचे, जो आपने कभी नहीं खाया होगा, आपके बाप दादा ने नहीं खाया होगा। सिर्फ 5,000 रुपए में वो फैसिलिटीज दे रहे जो हुकूमत पाकिस्तान भी नहीं दे सकती। बता भाई क्या क्या खिलाते हम? हाँ भाई, घंटे के लिहाज से बनता है हमारा किलो, घंटे के लिहाज से। देखो भाई, सुबह के दाने में हम डालते हैं बेहतरीन असली घी, और भाई दोपहर के दाने में हम डालते हैं वंडा, वो भी 11 सालों के साथ, और शाम में तुम सोच नहीं सकते भाई, शहद मिला के पिलाते हैं भाई, पानी के अंदर शहद मिला के। मेरे भाई घंटे के लिए ऐसे किलो बढ़ाते हैं, आज तक ऐसी बढ़ाई किसी फार्म पे नहीं आई। बताओ भाई, अभी तुम्हारा जानवर 3 मन का है ना, फिर 6 मन का हो जाएगा चांद तक, दुगनी तिगनी पैसे, डबल डबल ट्रिपल पैसे। क्या करना होगा मुझे इसके लिए? कुछ भी नहीं करना पड़ा होगा, सिर्फ 5,000 रुपए देने होंगे भाई। लेकी और पूछ, ये लो, 5 तो नहीं है, 3। अरे 3 भी चलेंगे, कोई मतलब नहीं भाई, 3 भी चलेंगे, क्योंकि अभी इसका बादाम का टाइम हो गया है, अभी इसको कुछ खिलाना पिलाना नहीं, ठीक है? हम लेकर आ रहे हैं इसके लिए खालिस और VIP बड़े वाले बादाम, जो आपने नहीं खाए हो गए, समझे? इसको भी नहीं खिलाना और खुद भी नहीं खाना, हो सकता है जो बादाम ये छोड़ दे बाद में आप खा लेना। घंटों के लिहाज से बढ़ेगा, घंटों के लिहाज से, घंटे के हिसाब से गोश्त। अच्छा तो 3,10 का होने जा रहा है, 3,10 का। इतरा रहा है मत, 3,10। शुक्र है अल्लाह का कि हमारा बकरा हमें वापस मिल गया। हाँ भाई, ये वो खूबसूरत पुलिस वाली है ना, उसकी मेहरबानी है। हाँ? बकरा चोरी होना भी ना उन्हीं की मेहरबानी है, अगर वो पहले चोरों को पकड़ लेती तो हमारा बकरा ही चोरी होता है ना। अरे बेटा, पुलिस ने ही पकड़ा है उनको और माफी तलाफी के बाद छोड़ दिया। वाह भाई, ये क्या बात है? अरे बेटा, मैं उन चोरों से मिल चुका हूँ, वो प्रोफेशनल चोर नहीं है, असल में उनके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई थी, उसकी वजह से उन्होंने ये मजबूरन कदम उठाया। अब्बा जान, ये सब ना बहानेबाजी होती है, मेरे हत्थे लग गए ना तो उनका वो हशर करूंगी कि उनकी नानी याद दिला दूंगी। अरे बेटा, तुम तो हर वक्त ही गुस्से में रहती हो। हाय अल्लाह, कितना सोना बकरा है जी। बिल्कुल मुझ पे गए। अगर बकरे को पता चल गया ना तो इससे पहले ही खुदकुशी कर लेगा। सदाका जी, आपकी ये लड़के अनुमा लड़की है ना, बहुत बदतमीज है। भाई मैमुना, देखो मेरी बच्चियों की बातों का बुरा मत माना करो, आखिर को हम दोनों को साथ ही तो रहना है आगे। क्या? कुछ नहीं। खैर, मैं तो बकरा देखने आई थी और आपसे मिलने भी। लेकिन ये बकरे के गले में पट्टा सा क्या डाला हुआ है? ये हमने एक डिवाइस लगाई है ताकि कोई भी इसको हाथ लगाए तो हॉर्न बज जाए। ये देखे पापा, वैसे मैंने नोटिस किया है कि जब से हमारा बकरा घूम कर वापस मिला है ना, ये बहुत उदास हो गया है, हमें इसे खुश रखना चाहिए ना। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी ये बकरा जो है ना कुछ शायराना मिजाज का लगता है, मुझे लग रहा है कि ये किसी बकरी को ढूंढने के लिए आया है और यकीनन इसको किसी दूसरे बकरे ने यहाँ का पता दिया होगा। वाह बाजी वाह, आपकी इमेजिनेशन। आप ही ना सदागर जी। अच्छा मैं तो चलती हूँ घर। अरे मेमुना, मेमुना,
पापा आप छोड़े ना इन्हें, मैं ये कह रही थी कि कल चांद रात है तो क्यों ना हम ये रात अपने बकरे के नाम कर दें और घर में एक मुशायरा अरेंज कर लेते हैं। हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ कल मुशायरा करेंगे फिर। जुनेद भाई, जुनेद। हाँ भाई, तुम और गाय इतना उदास क्यों बैठे हो? उदास नहीं हूँ यार, ये कल कट जाएगी, सारी रौनक खत्म हो जाएगी यार। तो मेरे भाई बारबेक्यू भी तो तुम्हें ही खानी है। हाँ यार, वैसे बारबेक्यू में मजा तो बहुत आता है। अबे पैर में क्या हुआ? पैर में क्या भाई? उसके पैर में। इसके कहाँ? यार ये जख्म कैसा है? अभी ये क्या हुआ? यहाँ भी है, है? अबे ये गिरा। अबे ये क्या हो गया? मैं तो कहता हूँ डॉक्टर को फोन कर भाई। जब ही तो कहूँ, ये टहल क्यों नहीं रही? चल डॉक्टर को फोन करता हूँ यार। जल्दी फोन कर, चलाता हूँ। हेलो डॉक्टर गुलाबी। ओए वो दिख पकड़ा। ओ भाई फिर से ना पकड़े जाए। अबे अब हमें पुलिस नहीं पकड़ेगी और ना ही छप जाएगा हम पे। माल तो बड़ा टाइट है भाई। अबे भाई नियत खराब थी, हमारे साथ भी गंदा हो गया। वो सामने आया क्या समझ नहीं आया, सीधी गाड़ी उल्टी हो गई। भाई चपली लगी सपली मेरी, क्लास मेरी 9 है। वाह 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 वाह। भाई चपली लगी सपली मेरी, क्लास मेरी 9 है, आज हमने महफिल सजाई है क्योंकि बकरा हमारा क्वारंटाइन है। भाई आप हमारी बिटिया शेर सुनाएंगी? इरशाद इरशाद। मेरा बकरा आजादी मांगता है, मेरा बकरा आजादी मांगता है, शहजादा है शहजादी मांगता है। वाह 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 वाह। कर रहा था मैसेज छुप छुप कर, मेरा मतलब है शादी मांगता है। वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब अपन की बारी है। इरशाद इरशाद। चोरी हुआ हमारा बकरा, चोरी हुआ हमारा बकरा, अपन ने की फोड़म फाड़ी, क्या समझे क्या समझे? तू भी बोल। वाह वाह। चोरी हुआ हमारा बकरा, अपन ने की फोड़म फाड़ी, अगर अब किसी ने ये गलती की तो आएगी उसकी भी बारी। वाह बहुत खूब बहुत जबरदस्त। अरे भाई कसम खुदा की कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। ये कौन सा शेर हुआ भाई? अपन का शेरा जैसा भी हो। तुमने तो टांग तोड़ दी शेर की भाई। भाई ए, 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 एक शेर और भाई। हाँ हाँ इरशाद इरशाद भाई। इरशाद इरशाद। वादा जो कर गया था वो भाई नहीं मिला, वादा जो कर गया था वो भाई नहीं मिला, बकरा निडर खड़ा था पर कसाई नहीं मिला। ललकार था बकरा, ललकार था बकरा कि कसाई बुलाइए, बच्चे ये कहते थे कि छुरी खुद चलाइए। अर्ज करती हूँ क्यों ईद पे उसे तलाश कर रहे हो तुम, क्यों ईद पे उसे तलाश कर रहे हो तुम और ये भी कह रहे हो कसाई नहीं मिला। वाह वाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अरे हुकाम खाल खींच रहे हैं अवाम की, हुकाम खाल खींच रहे हैं अवाम की, तुम फिर भी कह रहे हो कसाई नहीं मिला। अरे भाई जल्दी से कुर्बानी के लिए बकरा ले आओ, मुझे 8 गाय और 6 बकरे गिराने के लिए जाना है। अरे भाई सबर करो यार सबर करो। अरे भाई बेबी चिक्की भाई कहाँ हो भाई? भाई बकरा ले आओ भाई जल्दी से। अरे अब्बू कहाँ से लेके आऊँ बकरा, हमारा बकरा एक बार फिर से चोरी हो गया है और मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कौन कर सकता है ऐसे, और ये छोटा सा मुर्गा बांध कर चला गया है। ये कैसे हो गया भाई? लाओ भी लिया, इसी को लिया, इसी की कुर्बानी कर दूं मैं। अबे यार तुम तो चुप करो यार,
तुम्हारा बकरा चोरी होगा ऊपर से तुम कुर्बानी कर दो कुर्बानी कर दो। पापा मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कौन कर रहा है कौन चुरा रहा है हमारा बकरा बार बार। ओ भाई मुझे दे दे ये मुर्गा, मैं SOP के तहत कुर्बानी करूंगा, सफाई सुथराई के साथ एक घंटे में सारा काम निपटा दूंगा। अब तो तुम खड़ा नहीं होगा, अब ये हमारा बकरा चोरी हो गया, तुझे कुर्बानी कुर्बानी की पड़ी है। मेरी पिंकी। ये कौन? अरे पापा ये हमारे मोहल्ले में आगे की तरफ ही रहता है, इसकी गाय मर गई है तो ये हमारे बकरे के साथ चिपक कर बैठा रहता था इसलिए आ जाता है। मेरी पिंकी वापस कर दो मुझे, ईद से पहले ही मुझे छोड़ के चली गई। अबे भाई कौन पिंकी? अरे पिंकी इसकी गाय का नाम है ना जो मर गई थी। अच्छा पापा आप उन्हीं इंस्पेक्टर को कॉल करें ना जिन्होंने हमारा बकरा पहले ढूंढ कर दिया था, उन्हें जरूर पता होगा कि चोर कौन है। भाई मुझे कुर्बानी का बता दे यार, मुझे देर हो रही है यार। अबे तुम तो चुप करो यार। मैं नहीं जाऊंगा, अपनी पिंकी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। चोर ये दोनों हैं। हाँ ये चोर है, इन दोनों ने किया है बकरा चोरी। हाँ? अब इन दोनों की खातिर मदारत तो कर ली है मैंने, लेकिन अब तक कुछ उगला नहीं। अब जब ये पुलिस के ड्राइंग रूम में सैंड नहीं करेंगे ना तब तक बताएंगे नहीं कि बकरा इन्होंने चोरी की है। चलो छोड़े ने चोरी है लड़के नहीं और यहाँ है। देखो सरा। हाँ इसी औरत ने तुम्हारा बकरा चुराया था और रात को मुर्गा लाके यहाँ बांध दिया। सदाकत जी माफ कर दें मुझे, मजबूर थी मैं, मैंने तो आपका बकरा जरूर चुराया है लेकिन आपने तो मेरा दिल चुराया है ना। भाई मुझे मुर्गा दे दो, मैं इसके दिल गुर्दे सब निकाल कर बाहर रख दूंगा। मैं तेरा गुर्दा निकाल लूंगा इस बार, चुप करा जा। मैमुना तुम, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था, तुमने मेरा दिल बहुत दिखाया, आज के बाद तुम मुझे अपनी सूरत भी मत दिखाना। यार मुझे बता दो मुझे क्या करना, मेरी दिहाड़ी जाया हो रही है भाई। मैं यही छुरी लेकर मैं तेरा उतार दूंगा। लड़के तुम इन्हें छोड़ दो, ये बकरी चुराने आए थे पर चुरा नहीं सके, इन्हें तो मैं देख लूंगी। भाई आप सबका खत्म हो गया तो मुझे बता दे, मेरी दिहाड़ी जाया हो रही है भाई। अरे खामोश लेके जाओ इनको। चलो खड़े हो। हम तो नहीं है, हम तो एक्स्ट्रा में थे भाई। चलो एक्स्ट्रा में चलो। चलो आपके दिल में एक कमरा खाली है। हाँ क्यों? आप मुझे अपने दिल में क्वारंटाइन करने की जगह देंगे? बिल्कुल भाई, मेरा दिल तो पहले ही बड़ा वसी है और उसके अंदर तो मैंने 4 कमरे एक्स्ट्रा भी बनवाए हैं। मैं भाई मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको काटूं? ये हमें हम बताएंगे।